पंडित जी, वो महिलाएं जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं या वो महिलाएं जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो क्या उपाय करें? देखिए, जो महिलाएं व्रत नहीं कर पा रही हैं वो या तो बीमार होंगी या तो इस तरह के उनके काम काज होंगे कि काम काज को नहीं अवॉइड किया जा सकता है, या उनकी परिस्थिति पारिवारिक नहीं होगी। क्योंकि एक बात तो मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में हर महिला धर्म प्राण है और हर महिला अपने ज़िंदगी को दांव पर लगा करके धर्म करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई विशिष्ट मजबूरी होगी, कोई गर्भवती होगी, कोई प्रसव में होगी, कोई अशुद्ध होगी, इस तरह की महिलाएं व्रत ना कर सकती हों तो ना करें। व्रत नहीं अगर कर सकती हैं तो भी उन्हें अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर अशुद्ध हैं तो भी अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण और भगवान शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए, उनकी चाहे जो राशि हो। लेकिन यदि अस्वस्थता के नाते, बीमारी के नाते, शारीरिक अक्षमता के नाते व्रत नहीं कर पा रही हैं या पूजा नहीं कर पा रही हैं या श्रृंगार नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपने जगह पर ही बैठे बैठे आँख बंद करके भगवान गणेश की एक सुंदर छवि अपने मन में उतारनी चाहिए कि एक पीला सा बड़ा कमल का फूल है, उस पर गणेश जी पीला वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आप उनके श्री चरणों को देख रही हैं, आप उनसे अपनी प्रार्थना कर रही हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने पुत्र के बौद्धिक जीवन के लिए आप उनसे प्रार्थना कर रही हैं। इस तरह से अगर आप मानसिक रूप से भगवान गणेश से जुड़ जाएँ तो व्रत करने वालों से कम पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य तो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप व्रत मन से करें। मन से बिना किया हुआ व्रत जो है वो निष्फल होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, तो आज का दिन बहुत खास है, करवा चौथ पूरा देश मना रहा है, सभी महिलाओं ने व्रत रखा है, किन किन नियमों का पालन करना है और राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।